देखिए, किया तो है, हम उसको बुरा तो नहीं कह सकते, बुरा किया अच्छा किया, लेकिन विधानसभा में जब तक वो पास नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू नहीं है, और फिर तो खाली घोषणा है। नहीं, पहले वही बात है, पहले करना चाहिए था और विधानसभा में पास करना चाहिए था। अब भी तुरंत बुला के कर देते, तुरंत विधानसभा बुला के तुरंत पास करवा देते। कोर्ट तो अब तो कोर्ट लग गया, अब तो नहीं कर सकते, तब कर सकते जब घोषणा की थी। देखिए, बीजेपी के तो माहौल खिलाफ है, किसानों की जहां तक मैं बात करता हूं, बाकी वर्गों का मैं नहीं जानता। जहां तक हमारा सवाल है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, संघर्ष पार्टी बनाई है और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, जितनी भी उम्मीदवार मिल जाएं। और जहां तक फिर आगे बात आती है किसी समझौते की, वो बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के कहीं संभव हुआ तो कर लेंगे। नहीं, कांग्रेस तो नजदीक नहीं लगा रही, हुड्डा साहब में घमंड आ गया है। हुड्डा साहब ये सोच रहे हैं कि मेरी 45 सीट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो किसी से भी समझौता नहीं कर रहे। तो अभी क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक तो शंभू बॉर्डर रुका हुआ है, कुछ एमएसपी उन्होंने कर भी दिया है, जितने भी घोषणा सब सीएम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, वैसे तो जो अगर देखे ना कि बीजेपी की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, कांग्रेस की मैनेजमेंट कमजोर है, उस मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस मार खाती है। पीछे भी अगर आप लोकसभा के चुनाव में लगाएं, हरियाणा की बात करें, अगर ये एक सीट हमें दे देते, एक चौटाला को दे देते, तो 7 सीट हरियाणा में आ जानी थी, तो 5 बीजेपी को चली गई, बीजेपी का तो ग्राफ बढ़ गया, तो कसूर किसका था? कसूर तो खुद कांग्रेस का था। और यहां तो हुड्डा सब सेंटर की पॉलिसी नहीं मानते, सेंटर की पॉलिसी थी कांग्रेस की कि सबको इकट्ठे कर लो, ठीक है, इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन यहां तो उसने समझौता नहीं किया। तो ये मतलब जो यहां हरियाणा में जो है ना, वो अगर कांग्रेस हारी तो हुड्डा साहब की वजह से हारेगी।